मेरे निवाड़ी जिले के परिवार को मैं नमस्कार करती हूँ। आज बहुत ही दुखी मन से आहत होकर मैं भाजपा की सदस्यता को त्याग रही हूँ। मेरे राजनीतिक सफर में कई अनुभव मुझे भाजपा में रहते मिले, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगी, क्योंकि हम हर कदम पे जहां भी रहते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसी प्रकार लेकिन गत कुछ वर्षों से शीर्ष नेतृत्व का कार्यकर्ताओं की प्रति निष्ठा, नीति निराशा और नेतृत्व में उदासीनता, महिलाओं के प्रति जो दिखावटी योजनाओं का तारतम्य बना करके जो बरगलाने की कोशिश की जा रही है एवं उनके प्रति बढ़ते अत्याचार को देखकर मैं बहुत ज्यादा आहत हुई। भाजपा की सदस्य होकर भी रोजाना जनता के बीच में जाना होता है, उनको हमें नीतियों से योजनाओं से अवगत कराना होता है, लेकिन हम उस समय मौन रह जाते हैं या हमारे पास उत्तर नहीं होता है जब ये बात आती है कि हम आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के सवालों का उत्तर देने में असमर्थ हो जाती हूँ। इसलिए उन कार्यकर्ता जो हमारे कार्यकर्ता केंद्रित दल अब नेता केंद्रित हो गया है, पहले ये भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार था वो कार्यकर्ताओं का परिवार था, लेकिन आज वो नेताओं पर केंद्रित होकर के रह गया है, जिससे कार्यकर्ता भी अपने आप को बहुत ही कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। जनता का ना प्रदेश सरकार में आज विश्वास रहा है और ना ही केंद्र सरकार पर। जिस दल से जनता खुश नहीं है उस दल में रहकर सेवा नहीं की जा सकती है, और जहां एक सामाजिक या राजनीतिक परिवेश में रहते हुए जिसने सेवा का दायित्व का दामन थामा हो उसके लिए बहुत ही असुविधाजनक ये दायरा बन जाता है। तो इस निर्णय को लेने में मुझे भी असुविधा हुई, लेकिन जनता को सर्वोपरि रखते हुए मुझे ये निर्णय लेना पड़ रहा है। और मैं बताना चाहूंगी कि भाजपा सरकार में भाजपा संगठन के ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी और उनके साथ द्वैत व्यवहार के चलते प्रदेश में भाजपा की लगातार छवि खराब हो रही है, और ऊपर की शीर्ष नेतृत्व को इस बात का आभास भी नहीं होता। उन्हें लगातार अवगत भी कराया जाता है लेकिन वो इग्नोर करते जाते हैं, और भाजपा कार्यकर्ता जब भी संगठन के उच्च अधिकारियों से, सरकार के मंत्रियों और नेताओं से अपनी समस्या साझा करते हैं तो मंत्री और नेता तथा पदाधिकारी निराकरण तो दूर की बात, उनकी बात तक नहीं सुनते हैं। और कार्यकर्ताओं की लगातार इस स्तर पर उपेक्षा की जा रही है, जिस बात से मैं स्वयं भी आहत हूँ और मेरा कार्यकर्ता हर एक व्यक्ति आहत है इस बात से। और निवाड़ी जिले की जनता लगातार भाजपा शासन में स्वयं को पीड़ित महसूस कर रही है, असहाय महसूस कर रही है, और किसान, गरीबों की, महिलाओं की हालत बहुत खराब हो रही है, क्योंकि आज जिस प्रकार से योजनाओं को जो फ्री की सौगातें देकर हमें जो लाचार बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो आज ये जिस प्रदेश को बीमारू का बहुत लंबे समय पहले भी उपाधि दी जा रही थी, आज भी ये उन्हें बेरोजगार और बीमारू और पीड़िता की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज मैंने ये निर्णय बहुत ही सोच समझकर, सूझबूझ के साथ और मेरे पूरे निवाड़ी जिले के परिवार, निवाड़ी विधानसभा के परिवारों में मिलकर उठ बैठकर मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देती हूँ, जिला उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देती हूँ और अन्य पदों से भी इस्तीफा देती हूँ। आप सब स्वीकारिएगा।